नदी के किनारे जाएगा, लाश जलेगी, ये कीड़ा मकोड़ा बन जाएगा। 12 बजे रात को जब घर वाले लाश फूस करवाएंगे तो कुत्ते सियार आकर इस पर पार्टी मनाएंगे। ये तो अच्छा है कि उस मन मूत्र में मिले, इससे अच्छा है कि पिताजी आप हमको जन्म दिए हैं। अगर आपके किसी काम का ये शरीर आ जाएगा तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। और छोटा बेटा ने अपना जवानी अपने बाप को दे दिया और अपने बाप से बुढ़ापा ले लिया, क्योंकि उसको ज्ञान थी, वो जानता था कि अगर हम अपने पिताजी को जवानी नहीं भी देंगे तो ऐसे भी जवानी ढलते ढलते एक दिन बुढ़ापा आएगा, फिर बुढ़ापा के बाद मृत्यु आएगी। हमको भोग भोगना है नहीं, हमको मौज मस्ती करना है नहीं, क्यों ना कोई किसी काम का ये शरीर अगर है तो लग जाए। ऐसे भी नश्वर है, आयाति महाराज जवानी ले लिए और 2000 वर्ष तक इस संसार में भोग किए। कितने हजार वर्ष तक? 2000 वर्ष तक। सतयुग में जीवन 1,00,000 वर्ष होता था, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000, और कलयुग में मैक्सिमम कोई जिंदा रहेगा तो 100 साल। हमारे पूर्वज 110-120 रहते थे, लेकिन अब कोई 100 क्रॉस नहीं कर रहा है। और कलयुग में एक समय आएगा कि लोग जिंदा होंगे 10-15 साल के अंदर मर जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, आयाति महाराज 2000 वर्ष तक भोग किए, भोग बिलास किए इस संसार में। आप सुनिए, आयाति महाराज अपना निष्कर्ष दे रहे हैं, अपनी चेतना को बता रहे हैं, अपनी फीलिंग को बता रहे हैं। 2000 वर्ष के बाद आय हाय, ये क्या किया, ये पूरा समय बर्बाद कर दिया भोग विलास में, और अपना देखिए क्या रियलाइजेशन दे रहा है। इसीलिए जीवन में भगवान गीता में भोग विलास करने को मना किया है, बोलते हैं भोग विलास दुख का कारण है। पुलिस ऑफिसर अगर घूस ले रहा है पुलिस स्टेशन में तो वहां एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा पड़ सकता है। अगर घूसखोरी का आदत नहीं है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई डॉक्टर अगर मेडिकल रिपोर्ट गलत बना रहा है घूस लेके तो डर है कि कोई आगे छापा मार देगा, दुख का कारण बनेगा। तो क्या जरूरत है रिश्वत का? जितना पैसा आ रहा है उसी में जहाँ 50,000 का शर्ट खरीद रहे हैं 500 का शर्ट खरीद के पहन रहे हैं, घूस लेने की कोई जरूरत नहीं है, इच्छा को ही मार दे। तो ये सब ज्ञान आपको गीता से मिलेगा। तो कम बैक टू द कथा ऑफ आयाति महाराज। आयाति महाराज लिखे 2000 वर्ष के बाद निष्कर्ष में, जैसे हम लोग निबंध में या पुलिस का केस डायरी होता है उसमें निष्कर्ष दिया जाता है कि इसने मारा है कि नहीं मारा है। तो आयाति महाराज 2000 वर्ष के बाद अपना निष्कर्ष लिखे है, जिस प्रकार आग में घी डालने से आग कम नहीं होता है और बढ़ते जाता है, उसी प्रकार चाहे इस संसार में एक स्त्री को कितना भी धन क्यों न दे दिया जाए, एक पुरुष को भोग का कितना भी सामान क्यों न दे दिया जाए, बिना भक्ति का कोई भी स्त्री पुरुष संतोष नहीं हो सकता है। तो हम लोग ये जो भोग विलास के पीछे दौड़ रहे हैं ये ज्ञान है कि अज्ञान? अज्ञान है। क्या जरूरत है 50 जगह जमीन लेके घर बनाने का? एक जगह छोटा सा 2-3 रूम का घर बना लिए, क्या जरूरत है उसमें मोजाइक और टाइल्स लगाने का? कम पैसा में सिंपल प्लास्टर कर लिए और रोटी नमक या मार भात जो भी हो रहा है खरत की कमाई से भगवान को भोग लगा के खा लिए और असीम सुख पूरा आनंद में। ज्यादा पैसा भी नहीं है कि कोई हत्या करेगा, ज्यादा धन संपत्ति भी नहीं है कि कोई किडनैप करेगा, ज्यादा पैसा भी नहीं है कि सरकार की छापा पड़ेगी, इनकम टैक्स की छापा पड़ेगी, और एकदम असीम सुख गीता में बताते हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान हो गई है उसको अपना जवानी या अपना शरीर या अपना कुर्बानी देना ये सब एकदम आसान काम है। ये सब तो रिश्वतखोरी काम होने के प्रयास हो रही है कानून के माध्यम से, ये कभी होने वाला नहीं है। यहाँ आग जल रही है और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये आग यहाँ खत्म हो नहीं रहा है। वो बाहर से आग लगा है यहाँ और पानी का फुहारा मार रहा है वहां पर, वहां पानी मार रहे हैं, वो आग बुझने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये हरे कृष्ण आंदोलन लोग ज्वाइन कर लेंगे, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप इससे करेंगे, 4 नियम का पालन करेंगे, महीना में 2 एकादशी आता है करेंगे, ये धीरे 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 जब शरीर शुद्ध होगा आपको बहुत कम गुस्सा आएगा, बहुत ब्रेन पर प्रेशर रहेगी कि बेटी का शादी करना है, बेटे का स्कूल फीस देना है, इंजीनियरिंग में इतना पैसा लगेगा, ये सब हेडेक दिमाग में आएगा, लेकिन यह आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि भगवान की भक्ति करते करते शुद्ध हो जाइएगा, सब चीज भगवान को छोड़ दीजिएगा। और देखिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं जब समय आएगी तो सब देखिएगा, अगर शुद्ध आप है और उस लेवल का विश्वास भगवान पर है तो सारा काम बिना किसी को चीट किए, बिना किसी का हक छीने, बिना किसी को रुलाए हुए सारा काम हो जाएगा। और आपकी बेटी की शादी कहाँ करना है किससे वो भगवान जोड़ी लगा देंगे। अपने मन से कितनों प्रयास किएगा, कलयुग फ्रॉड का युग है, चीटिंग हो जाएगा और धोखा खाइएगा, लेकिन भगवान पास से
रहिएगा तो ऐसा व्यवस्था कर देंगे ये सब काम हो जाएगा। वैदिक सिस्टम में लोग भगवान पर आश्रित थे, किसी व्यक्ति पर, किसी सिस्टम पर नहीं। हमारे नेता लोगों को भक्ति में रुचि नहीं है, प्रशासन को भक्ति में रुचि नहीं है, जनता को भक्ति में रुचि नहीं है। खूब दुख आएगा, इस दुख का कोई अंत होने वाला नहीं है। और भगवान गीता में शांति का सूत्र दिया है, जो अपना पैसा कमा के मैक्सिमम पैसा जितना परिवार के लिए जरूरत है उतना रख के मैक्सिमम पैसा जो भगवान की सेवा में लगा देता है, गीता दान हुआ, भगवान का रथ यात्रा निकलना हुआ, जन्माष्टमी में जाके वहां सिस्टम में 1-2 लाख दान कर दिया, और ऐसे 1-2 दिन नहीं, वो कमाने का उद्देश्य बना लिया है कि हम भगवान का सेवा करेंगे, हम मैक्सिमम अपना पैसा जितना जरूरत हो घर में 10-20 हजार रख के, लोगों पास करोड़ों रुपया है, वो दुखी इसलिए है कि पैसा को पकड़ के रखे है। भोक्ता नाम यज्ञ तप सब सर्वलोक महेश्वर, मैं पूरा इस जगत का महेश्वर हूं और सारे लोगों को हमको मौज मस्ती देने के लिए काम करना चाहिए, कृष्ण को मौज मस्ती देने के लिए। तो क्या है मौज मस्ती? सुबह उठ के उनका मंगला आरती करना, उनको बाल भोग लगाना, फिर दोपहर का भोग लगाना, फिर रात का भोग लगाना। ये प्रभु लोग जहाँ रहते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में रहते हैं, प्रभु आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या? कुछ और रूम बनाना है क्या? कुछ और टंकी बैठाना है क्या? टेम्पल का विस्तार करना है? इतना पैसा चाहिए? अगर पैसा है तो उसको छोड़ते जाइए, वो बहुत बड़ा सुख का कारण बनेगा। ये बहुत अज्ञान है, लोग 50 जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो सिर्फ दुख का कारण बनेगा और उससे कुछ सुख मिलने वाला नहीं है। एक बस हिम्मत रहेगा, कुछ पैसा है, हिम्मत रहते हुए भी ये ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक ये कहाँ रुक रहा है? तो जितना जो पैसा आदमी कमा रहा है, अगर अपने पैसे का मैक्सिमम पैसा वो दान करे तो उसको असीम शांति प्राप्त होगी, और दान करे और साथ साथ भगवान का शुद्ध भक्त बने तो जितना शांति उसको प्राप्त होगी, असीम सुख जितना उसको प्राप्त होगी, इस संसार में किसी को प्राप्त नहीं हो सकती है। और बिना शांति का सुख का सवाल ही नहीं है, और बिना सुख का कोई आदमी शांत हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हरे कृष्ण आंदोलन सब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये सुख ये शांति प्रदान करने आई है। तो आज इस मंदिर के प्रांगण में हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़िए, सही आंदोलन से जुड़िए। कलयुग में विभिन्न पंथ निकल जाएंगे जिनका कोई उद्देश्य नहीं रहेगा, ऐसे स्कूल से पढ़िएगा जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। चाहे आप पढ़ने में कितना भी तेज हो, उस स्कूल का डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है, आपका डिग्री चोरी का डिग्री हुआ। लेकिन जो स्कूल सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, उस स्कूल में भले टीचर अच्छे ना हो, लेकिन अपने से भी पढ़ कर अगर डिग्री लीजिएगा तो उस डिग्री का मार्केट में वैल्यू है। उससे आप IAS IPS का एग्जाम दे सकते हैं, उससे आप जज का एग्जाम दे सकते हैं, आप बहुत बड़े ओहदे पर पोस्ट पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नकली इंस्टीट्यूशन से भक्ति सीखिएगा तो आपकी श्रम ही केवल आपका समय बर्बाद होगा। 4 संप्रदाय भागवत में बताई गई है, श्री संप्रदाय जिसको लक्ष्मी जी स्टार्ट की थी, फिर कुमार संप्रदाय जिसको 4 कुमार शुरू किए थे, फिर आपको रुद्र संप्रदाय जिसको शिव जी शुरू किए थे, अरे के गौरी ब्रह्म संप्रदाय। ये जो इस्कॉन आपको भक्ति सिखा रही है ये गौरी ब्रह्म संप्रदाय है। ये 4 संप्रदाय से भक्ति सीख सकते हैं। ये 4 के अलावा जो भी संप्रदाय से भक्ति सीख रहे हैं आपको थोड़ा सा फायदा होगा। जो अल्टीमेट कृष्ण प्रेम है और गोलक वृंदावन जाने का जो उद्देश्य है वो उससे पूरा होने वाला नहीं है। आप धार्मिक बन सकते हैं, पुण्य इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन भगवान की जो प्रेमा भक्ति है वो आपको प्राप्त नहीं होगी। इस्कॉन 4 संप्रदाय में 1 संप्रदाय में आता है और ये आपको राइट भक्ति सिखा रही है। इससे आप लोग जुड़िए और अपने दुर्लभ मानव जीवन को सफल बनाइए, नहीं तो कलयुग में ऐसा समय आ गया है कि बाप और माँ मरे हुए हैं, कौन कफन खरीदेगा? 3-4 पत्नी है और 3-4 पत्नी के हस्बैंड है, वो हस्बैंड में आपस में लड़ाई हो रही है कि कफन कौन खरीदेगा। बेचारा जन्म दिया, करम कुकरम कर पालन पोषण किया, पढ़ा दिया और मर गया। देखिए कितना भारी मूर्ख निकला कि उन बेटा और बेटी और पत्नी के चक्कर में पूरा समय बर्बाद कर दिया, कफन कौन खरीदेगा? इस पर विवाद चल रही है, क्या गंदा युग आ गया है। इसी सबसे उबारने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए यह हरे कृष्ण आंदोलन स्टार्ट किया गया है। कांडी इससे जुड़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।